ये क्या? व्हाट इज प्रोडक्ट? ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जनाब। ये इसलिए हम दोबारा इस पर वापस आए हैं कि मैंने आपसे ये कहा था कि प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज शामिल नहीं होती हैं, बल्कि इसके अंदर और चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो आइए, जो प्रोडक्ट का स्कोप है वो किस तरह गुड्स और सर्विसेज के बियॉन्ड भी जाता है, और मार्केटिंग में और बहुत सारी चीज़ों में प्रोडक्ट किस किस शक्ल में अपेयर होती है, आइए उसके कुछ नमूने हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके सामने कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग। ये क्या चीज़ है? मार्केटिंग तो मार्केटिंग होती है। ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आ गए हैं, और ये जो मार्केटिंग के साथ आपने कुछ प्रीफिक्स कर दिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ा है, और इसका क्या ताल्लुक है इस बात से जो मैंने भी आपके सामने रखी थी कि भाई प्रोडक्ट जो होती हैं वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज तक महदूद नहीं होती। तो आइए ज़रा इस पर गौर करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग विच कैन बी ऑफर टू द मार्केट, टू द ऑडियंस, टू द कस्टमर्स, टू सेटिस्फाई देयर नीड और वॉन्ट्स। कोई भी चीज़। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो कस्टमर की ज़रूरत है वो किसी फिजिकल आइटम के लिए है या किसी सर्विस के लिए है। बाज़ ज़रूरियात ऐसी भी होती हैं जिनका ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसानी नफ्सियात के साथ होता है। और फिर जिस तरह बाज़ोकात आपको कोई आइडिया चाहिए होता है, या आपको कोई आइडियालॉजी चाहिए होती है, या आपको किसी चीज़ के बारे में अपना तासुर बदलना होता है, तो यहाँ पर फिर जो मार्केटिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी ना। तो प्रोडक्ट चूंकि सेंटर होता है ना किसी मार्केटिंग कंपेन का, तो यहाँ पर चार हमें नमूने के तौर पर बातें बताई गई हैं। आइए अब उनको हम तफसील से डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, यानी कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स टूवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन असल में वो एंटिटी है जो प्रोडक्ट्स एंड यानी गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है, या वो आपको कोई सर्विस, कोई आइडिया या कोई आइडियालॉजी देती है। अब ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकती है, गवर्नमेंटल भी हो सकती है, और कमर्शियल भी हो सकती है। देखिए, जब तक आप उस सोर्स के बारे में अच्छा इमेज नहीं रखते जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है या दे रहा है, तब तक आप उसकी गुड्स एंड सर्विसेज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप उसके बारे में अच्छा तासुर नहीं रख सकते। हमने परसेप्शन के बारे में पढ़ा था और हमने डिस्कस किया था कि परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग किसी चीज़ के बारे में जो परसेप्शन रखते हैं वो सबसे पहले ये फैसला करवाती है कि लोग उस चीज़ को ख़रीदेंगे, कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। भाई, किसी चीज़ को ख़रीदेंगे, कबूल करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। जब तक आप एक चीज़ के बारे में बायस्ड हो जाते हैं तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं, वो गवर्नमेंट के इदारे भी होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के इदारे भी होते हैं, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा इमेज, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं, जनाब वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा इमेज क्रिएट करते हैं। अब ये जो कंपेन जिनमें ऑर्गेनाइजेशंस के इमेज बिल्ड किए जा रहे होते हैं, इसमें प्रोडक्ट क्या होती है? इसमें असल में जनाब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके इमेज को एज अ प्रोडक्ट प्रेजेंट किया जा रहा होता है, और ऑब्जेक्टिव उसका इमेज बिल्ड करना होता है। अच्छा, इसके बाद पर्सन मार्केटिंग है। ये जो हमारा इरा है, इसको हम हाई पॉलिटिकल एक्टिविटी का इरा भी कह सकते हैं। इसके अंदर आप लोग देखते हैं, पर्सन मार्केटिंग कोई नई नहीं है। इससे पहले फिल्मी सितारे, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये तमाम किसी न किसी तरीके से मार्केट हो रहे होते हैं, और इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी या जो रूलर्स होते हैं वो भी अपने आप को मार्केट करते हैं। तो जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा इमेज बिल्ड किया जाता है, इसी तरह पर्सन के बारे में अगर आप कोई अच्छा इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसको हम पर्सन मार्केटिंग कहते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से पर्सन मार्केटिंग को एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। वो कभी उनको आपका निजात दहिंदा बना के पेश कर रहे होते हैं,
कभी वो उनको कुछ बना के पेश कर रहे होते हैं, आपका खैरख्वाह बना के पेश कर रहे होते हैं। इन सारी कंपेन्स के अंदर प्रोडक्ट क्या होती है जनाब? इसमें प्रोडक्ट असल में वो पर्सन होता है जिसके इमेज को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्लेस मार्केटिंग का तस्वुर आता है। देखिए, ये प्लेस मार्केटिंग मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी ब्रांच बन गई है। ख़ास तौर पे अगर हम टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये देखते हैं कि कंट्रीज़ जो ममालिक होते हैं उनके जो फॉरेन ऑफिसेज होते हैं वो असल में उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल मार्केटिंग को देख रहे होते हैं। उनका काम होता है कि अपने मुल्क का, अपने शहरों का, अपने इलाकों का, अपनी जगहों का अच्छा इमेज बिल्ड करें ताकि दुनिया भर से टूरिस्ट जो हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके। देखिए, टूरिस्ट आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अच्छा, अब ये जो टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस होती हैं या जो टूरिज़्म की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, ये जो मुख्तलिफ शहरों को, जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके हैं उनके बारे में बहुत प्रमोशन हमें देखने को मिलती है। हमारा रोशनियों का शहर कराची है, उसके बारे में, उसके मुख्तलिफ साइट्स के बारे में, इस तरह हमारा कल्चरल जो सेंटर है लाहौर उसके बारे में आप देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो ज़ियारत रेजिडेंसी है जहाँ पर हज़रत कायदे आज़म ने अपने आखिरी अयाम गुजारे थे, ये वो सारे प्लेसेस हैं जिनके बारे में आप देखते हैं कि इनका इमेज बिल्ड भी किया जा रहा होता है और उनकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट भी किया जा रहा होता है। असल में प्लेस मार्केटिंग की जा रही होती है ना। तो देखिए, ये जो प्लेस मार्केटिंग है इसमें प्रोडक्ट क्या होती है? इसमें वो प्लेस प्रोडक्ट के तौर पर पेश की जा रही होती है क्योंकि उसके लिए लोगों को की अटेंशन हासिल की जा रही होती है, उसको एक्विजिशन देखी जा रही होती है और चाहा जा रहा होता है कि लोग वहाँ आएँ और कंजम्पशन करें। अच्छा, उसके बाद अगर आप गौर करें तो सोशल मार्केटिंग भी एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है आजकल। द यूज़ ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स इन प्रोग्राम्स डिजाइंड टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर टू इम्प्रूव देयर वेल बीइंग एंड दैट ऑफ सोसाइटी। यानी जो बहुत सारी कंपेन्स हैं जिसमें आपको कहा जा रहा होता है कि भाई अपनी इन्वायरमेंट की हिफाजत करें, सफाई का ख्याल रखें, आप पानी जो है उसको बचाएं, यानी वो तमाम काम, यानी आपको कहा जा रहा होता है कि आप लोगों की मदद करें, ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें, ये सारे जो कंपेन्स होती हैं इनके अंदर आमतौर पर सोशल इश्यूज जो हैं उनके बारे में आपकी अटेंशन को हासिल किया जा रहा होता है। तो क्योंकि इसके अंदर सोशल कॉज जो है उसको प्रमोट किया जा रहा होता है, इसलिए इसको सोशल मार्केटिंग कहते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होती है जनाब? इसमें जनाब वो सोशल कॉज प्रोडक्ट होती है, वो जिसकी तरफ आपकी अटेंशन करवाई जा रही होती है या जिसके लिए आपको कन्विंस किया जा रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन के बाद आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह जो प्रोडक्ट होती है उसका स्कोप ब्रॉड होता है, बल्कि ब्रॉडर होता है देन गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। यानी वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।